ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनेगा, उसको ध्यान से देखना। ओके, प्रूव करना है हमें इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, के ए कोई भी के कॉन्स्टेंट है, के ए इज इक्वल टू के की पावर एन। एन क्या है? जो ये ऑर्डर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले को प्रूव। सबसे पहले हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3A चाहिए, 3A का डिटरमिनेंट। और 3A के डिटरमिनेंट से पहले क्या चाहिए, 3A। 3A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12। ओके, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। अब इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट, 3A का डिटरमिनेंट। स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंड बाय, इसे C1 से कर देते हैं, एक्सपेंड बाय C1। C1 तो 3, ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 12 3 है 36 माइनस 0, राइट। तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 36, तो ये आ जाएगा 3 6 18, 1 3 3 9 108, राइट। राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड साइड इज 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ये तो ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंड बाय C1 ही करते हैं 1, ये भी कैंसिल, 4 1 4 माइनस 0। ओके, तो 1 × 4 4 आ गए, 27 × 4 4 7 28, 2 4 2 8 × 10 108। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव। यहां से एक फॉर्मूला बन गया, ये वाला कांस्टेंट, कोई भी के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के पावर एन। एन क्या है? जो भी ऑर्डर होगा, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व करना। थैंक यू।